अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रमज़ान का आखिरी अशरा अल्लाह ताला ने लैलतुल क़द्र को इन 5 रातों में छुपाया हुआ है। पहले ये तायीन के साथ मुकर्रर होकर आ रही थी। आपस के झगड़े ऐसी नहुसत हैं कि आप ख़ैमे से बाहर आए, दो सहाबा आपस में उनकी कोई तलखी होगी, उनकी आवाज़ें ऊँची होंगी, झगड़ा बढ़ गया। तो आपने बाहर तशरीफ़ ला के फरमाया कि मेरे अल्लाह ने मुझे शब कदर बता दी थी कि फ़लाँ रात हुआ करेगी, लेकिन तुम लोगों के झगड़े की वजह से अल्लाह ताला ने उसको उठा लिया और छुपा दिया, और अब तुम उसे ताक रातों में तलाश करो। 21 में, 23 में, 25 में, 27 में, 29 में इसको तुम तलाश करो। आपस का इख्तलाफ सहाबा का था। दो सहाबी आपस में किस बात पे उलझ गए पता कोई नहीं। बज़ाहिर तो वो एक तायीन और एक तकर्रर मुकर्रर अदद मुकर्रर रात उठ गई, लेकिन ये बहुत बड़ी खैर हुई। अगर ये रात मुतय्यन होती कि 21 की रात शब कदर हुआ करेगी, या 27 या 23 या 25 या 29, और आने वाले ज़माने में गफलत तो होनी थी, जहालत भी होनी थी, नाफरमानी भी होनी थी। रात मुतय्यन हो, लोगों को पता हो आज शब कदर है, फिर लोग नाफरमानी करते तो नकद अजाब आता। तो अल्लाह ताला ने इस छुपाने में भी अपनी रहमत को शामिल हाल किया। जब एक आदमी शराब पी रहा है, उसे पता ही नहीं शब कदर, किसी को भी नहीं पता कि आज है। हम तो 5 रातें छोटी इंशाल्लाह जाके, आप तो वैसे ही इल्म में मसरूफ़ हैं, तो चलो आपकी बरकत से एक हदीस भी याद आ गई। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुदारसतुल इल्म साअतन, मुदारसा दारस युदारिसु, एक दूसरे के साथ इल्मी मुहावरा करना, या जिसको आप तकरार कहते हैं। मुदारसतुल इल्म साअतन खैरुम मिन इह्याए लैलतिल क़द्र इंदल हजरिल अस्वद। अल्लाहु अकबर, तुम तो बड़े मालदार हो यार, हैं माशाल्लाह। आपकी रात अल्लाह के फजल से इल्म में गुज़रती है। तो और लोग भी बैठे हैं, मैं तर्जमा कर देता हूँ। चंद घड़ी, थोड़ी देर का इल्मी मुज़ाकरा, इल्मी गुफ्तगू, इल्म की तलब में, इल्म की तलाश में। मुनाजरा नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है, इल्म की तलब और तलाश में थोड़ी देर इल्म का मुज़ाकरा और इल्म की बातचीत। ये हजर अस्वद के सामने खड़े होकर लैलतुल क़द्र में सारी रात नफल पढ़ने से बेहतर है। लैलतुल क़द्र बज़ात ख़ुद खैरुम मिन अल्फ़ शहर है, ठीक हो गया। और हरम की एक नेकी 1 लाख के बराबर होती है, ये भी ठीक है। मालूम है हरम मक्का की एक नेकी 1 लाख के बराबर। तो ये रात हरम में 1 लाख रातों के बराबर होगी। 1 लाख को 1000 से ज़रब दें तो कितना बनेगा? मौली शायद बताएगा, हिसाब अच्छा कर। 10 करोड़ महीने बनते हैं, 10 करोड़ महीने बनते हैं। तो 10 करोड़ महीनों के साल बनाओ, लाखों साल बनते हैं, हज़ारों साल बनते हैं। तो इल्म का मुज़ाकरा, इल्म की तलब में, इल्म को सीखने के लिए थोड़ी देर बैठना, वो हजर अस्वद के सामने लैलतुल क़द्र में सारी रात नफल पढ़ने से बेहतर है। ये तो हो गया आम दिनों में। जब ये इल्म की तलब रमज़ान में हो तो हर अमल पहले ही 70 गुना बढ़ जाता है। फ़र्ज़ इल्म की तलब तो फ़र्ज़ है, तो फ़र्ज़ 70 गुना हो जाता है, नफल फ़र्ज़ बन जाता है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए कोई कंप्यूटर भी काम नहीं देगा। ये आप अल्लाह के फजल से आपकी सारी, हमने 25 को छुट्टी रखी है, 2 रातें घर जाके जाग लेना, एक 27 की एक 29 की, तो इंशाअल्लाह। तो अब वैसे भी आजकल रातें छोटी हैं, तो यकीनन एक रात तो होगी इसमें। 5 रातें अगर हम जाग लेते हैं, यकीनन एक रात उसमें शब कदर है। तो अल्लाह के नबी शद्दल मेज़र इन आखिरी अशरे में खूब मेहनत फरमाते, कमर कस लेते और सारी ज़िंदगी एतकाफ़ बैठे। आपने कभी एतकाफ़ नहीं छोड़ा। फ़तह मक्का पे छूटा, लेकिन शव्वाल में आके बैठे, 1 महीना पूरा एतकाफ़ किया, फिर 20 दिन किया, फिर 10 दिन, फिर 9 रमज़ान मेरे नबी को मिले, 9 रमज़ान। तो 1 में एतकाफ़ छूटा और बाकी में आपने मुसलसल एतकाफ़ फरमाया। लैलतुल क़द्र कि सिर्फ़ तलाश नहीं बल्कि एतकाफ़ अल्लाह के दर पर पड़ जाना होता है। तो एतकाफ़ अल्लाह के दर पे पड़ जाना है, और एतकाफ़ वालों को फजीलत है कि वो सोए भी हों तो उनके लिए इबादत लिखी जाती। बाकी हमारे जैसे लोग तो नफल पढ़ेंगे तो इबादत लिखी जाएगी, कुरान पढ़ेंगे तो इबादत का अजर लिखा जाएगा, और एतकाफ़ वाला सोया भी हो तो कलम उसका चलता रहता है। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु वफल बिना मा अंता अहलुहु इन्नका अहलुत तक़्वा व अहलुल मग़फ़िरा। या अल्लाह, या अल्लाह, आखिरी अशरा शुरू हो चुका है, तेरी मग़फ़रत का, जहन्नम से खलासी का है। सारी उम्मत मोहम्मद को जहन्नम से नजात अता फ़रमा दे, सारी उम्मत मोहम्मद को जहन्नम से नजात अता फ़रमा दे, सारी उम्मत मोहम्मद को जहन्नम से नजात अता फ़रमा दे। पूरी दुनिया इंसानियत को कलमा नसीब फरमा दे, पूरी दुनिया इंसानियत को कलमा नसीब फरमा दे, पूरी दुनिया इंसानियत को कलमा नसीब फरमा दे। जो तेरे इल्म में फ़िरौन हैं, शद्दाद, हामान, क़ारून हैं, उनके वजूद से धरती को पाक फरमा दे, और इसे अमन का, इज़्ज़त का, आबरू का, शर्म व हया का गहवारा बना दे। पूरा आलम बेहयाई की लपेट में है, कुफ़र की लपेट में है, मेरे मौला इसे तो हया की चादर पहना दे, ईमान का नूर अता फ़रमा दे। या अल्लाह, तेरे बंदे जितने एतकाफ़ में बैठ चुके हैं उन सब के एतकाफ़ को कबूल फरमा और ज़रिया हिदायत फरमा। हरमैन में जितने तेरे बंदे बंदियाँ एतकाफ़ में बैठे हैं उनके एतकाफ़ भी कबूल फरमा और ज़रिया हिदायत फरमा। या अल्लाह, तो हमारी ये छोटी सी एक काविश, एक हकीर सी कोशिश, इसे भी या अल्लाह कबूल फरमा और इसे ज़रिया हिदायत बना। ये कुरान से हमारे दिलों को जोड़ दे, सीरत से हमारे दिलों को जोड़ दे। या अल्लाह, अपने महबूब की मुबारक ज़िंदगी हमारे सामने खुली की किताब की तरह कर दे, और हर अमल को अपने महबूब के या अल्लाह नूर की रोशनी में देखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। पूरी उम्मत में या अल्लाह सीरत हावी फरमा, पूरी उम्मत में या अल्लाह अपने महबूब वाले अखलाक ज़िंदा फरमा, बद अखलाक़ी से हमारी हिफाजत फरमा। मेरे देश को चोरी डाके से बचा, जुल्म व सितम से बचा, कत्ल व गारत से बचा, झूठ फ्रॉड से बचा, सूद और रिश्वत से बचा, या अल्लाह मिलावट और खोट से बचा। या अल्लाह, मेरे देश से तो बदकारी के अड्डे ख़त्म फरमा, शराब के अड्डे ख़त्म फरमा, जुए के अड्डे ख़त्म फरमा। या अल्लाह, आने वाली हुकूमत नेक दिल, रहम दिल लोगों की नसीब फरमा। हमें या अल्लाह ऐसे लोगों के हवाले ना फरमा जो बदयानत हों, जो धोखेबाज हों, जो मफाद परस्त हों। हमें ऐसे लोगों के हवाले फरमा जो मुल्क के, कौम के, आवाम के खैर ख्वाह हों, उनके दर्द को अपना दर्द समझें और हमारे गम को अपना गम समझें, हमारे दुख को अपना दुख समझें। हमें ऐसे नेक लोग नसीब फरमा। या अल्लाह, जहाँ जहाँ ये मेरे साथ लोगों ने हाथ उठाए हुए हैं तो सब के हक़ में उनकी दुआएं कबूल फरमा, उनकी हाजात को पूरा फरमा। आमीन।